हेलो स्टूडेंट्स, हम पिछले क्लास में लेक्चर 6 में टेरिडोफाइटा में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ रहे थे। टेरिडोफाइटा में लैंगिक जनन में हमने कुछ बातें आपको पहले भी बता दिया था, कुछ आज बताएंगे। जैसे पहले बताई हुई गई बातों में टेरिडोफाइटा का मुख्य पौधा स्पोरोफाइट्स होता है। स्पोरोफाइट अर्थात युग्मकोद्भिद होता है। जिसमें दूसरी प्रवस्था जो गैमेटोफाइट होती है, ब्रायोफाइटा के विपरीत ये दोनों प्रवस्थाएं स्वतंत्र रूप से बीजाणु की दोनों स्वतंत्र रूप से रहती हैं। इनमें लैंगिक जनन में जो बनने वाले युग्मक होते हैं वो विषम युग्मकी होते हैं। इसमें युग्मक का निर्माण के लिए युग्मक धानी, जिसे आप गैमेटेंजियम कहते हैं, बनती है। गैमेटेंजियम दो प्रकार के होते हैं, दोनों अलग अलग पौधे पर या फिर एक ही पौधे पर बनते हैं, जिसमें नर युग्मक धानी, मेल गैमेटेंजियम जिसे आप एंथ्रीडियम या मादा युग्मक धानी जैसे आप आर्चिगोनियम कहते हैं, इस एंथ्रीडियम में एंथ्रियोजॉइट्स आर्चिगोनियम में एक्सेल बनते हैं। एंथ्रियोजॉइट्स की चर्चा हमने पीछे भी किया था, ये मल्टीफ्लैजेलेटेड होते हैं। एंथ्रियोजॉइट्स मल्टीफ्लैजेलेटेड होते हैं। अर्थात इनमें नंबर ऑफ फ्लैजेला बहुत अधिक होते हैं, कशाविकाओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है। जबकि ब्रायोफाइट्स में हमने देखा था उनमें कशेपकाएं दो होती थी। ये एंथ्रियोजॉइट्स एक सेल को निषेचित करते हैं। ब्रायोफाइटा के विपरीत इनमें निषेचन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती, या कुछ में जल की आवश्यकता होती भी है। इस प्रकार से इनके निषेचन के पश्चात जाइगोट का निर्माण होता है। ये जाइगोट वृद्धि करके स्पोरोफाइट का निर्माण करते हैं। स्पोरोफाइट्स पर स्पोरोफिल बनती है, स्पोरोफिल पर फिर से स्पोरेंजियम बनती है, स्पोरेंजियम से फिर प्रकार स्पोरेंजियम से स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स विकसित होकर के प्रोथैलस बनाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें लैंगिक जनन होता है। तो आप कह सकते हैं टेरिडोफाइटा में लैंगिक जनन बिल्कुल सरल प्रकार का होता है, जिसके बारे में हम पीछे देख रहे थे। आगे हम देखेंगे अनावृत बीजी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। तो अनावृत बीजी पौधे टेरिडोफाइट से ज्यादा विकसित पौधे होते हैं। इनमें नर पौधा और मादा पौधा
दोनों अलग अलग होते हैं, यानी कि ये एकलिंगी होते हैं। ये मेल प्लांट और फीमेल प्लांट, इनमें जननांग के रूप में, जनन रचना के रूप में शंकु अर्थात कोण का निर्माण होता है। मेल में मेल कोण जिसको नर शंकु, और मादा में फीमेल कोण जिसे आप मादा शंकु कहते हैं, यहां पर नर शंकु कहते हैं। मेल कोण नर शंकु में सूक्ष्म बीजाणु पर्ण अर्थात माइक्रोस्पोरोफिल का निर्माण होता है। माइक्रोस्पोरोफिल किसे कहते हैं? इसमें कुछ ऐसी पत्तियां पाई जाती हैं जिन पर स्पोर्स बनते हैं, तो जिन पत्तियों पर स्पोर्स बनते हैं उन्हें हम माइक्रोस्पोरोफिल्स कहते हैं। ये माइक्रोस्पोरोफिल्स पर सूक्ष्म बीजाणुधानी जिसे आप माइक्रो स्पोरिंजियम कहते हैं, अर्थात सूक्ष्म बीजाणु पर्ण पर सूक्ष्म बीजाणुधानी बनती है। इस सूक्ष्म बीजाणुधानी के भीतर सूक्ष्म बीजाणु या इसे आप पराग कण, माइक्रोस्पोर्स और पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। ये परागकण बनने के पश्चात सूक्ष्म बीजाणुधानी से मुक्त हो जाते हैं और परागण की क्रिया में भाग लेते हैं। मादा शंकु की चर्चा करें, मादा शंकु में दीर्घ बीजाणु पर्ण या इसी को आप गुरु बीजाणु पर्ण मेगा स्पोरोफिल कहते हैं, इनका निर्माण होता है। इस मेगा स्पोरोफिल पर बीजांड अर्थात ओव्यूल बनते हैं। ओव्यूल के भीतर जिसको आप बीजांड कहते हैं, इस बीजांड के अंदर मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। इस मादा युग्मकोद्भिद में मादा युग्मक अर्थात फीमेल गैमीट जिसे आप एक सेल अंडकोशिका कहते हैं, अंडकोशिका कहते हैं। यह मूल रूप से आर्चिगोनियम जिसे आप
स्त्रीधारी कहते हैं, कहते हैं उनमें इनका निर्माण होता है। परागकण मुक्त होने के पश्चात बीजांड तक पहुंचते हैं। बीजांड पर पहुंचने के लिए माध्यम अधिकांशतः वायु का सहारा लेते हैं, वायु परागण जिसे कहा जाता है। इस वायु परागण के फलस्वरूप परागण की क्रिया संपन्न होती है। परागण के पश्चात पराग कण अंकुरित होकर के पराग नली का निर्माण करते हैं। आप इस तरह से समझ सकते हैं, ये बीजांड है जिस पर पराग कण गिरते हैं और यहां से अंकुरित होकर पराग नली बनाते हैं। ये पराग नली इस बीजांड में उपस्थित आर्चिकोनियम, इसे आप आर्चिकोनियम कह सकते हैं, तक पहुंच जाते हैं। इस पराग नली में दो नर युग्मक विकसित होकर प्रवेश करते हैं, जो यहां पर उपस्थित एग सेल, ये नर युग्मक होता है, मेल गैमेट होता है, ये दोनों मिलते हैं। मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के फलस्वरूप यहां पर जायगोट का निर्माण होता है। ये जायगोट विकसित होकर के भ्रूण बनाता है, जिसे आप एम्ब्रियो कहते हैं, और मादा युग्मकोद्भिद विकसित होकर के भ्रूण कोष, जिसे आप इंडोस्पर्म कहते हैं, का निर्माण करते हैं। और अंततः निषेचन के फलस्वरूप ये पूरा बीजांड ये संपूर्ण बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है, जिसे आप सीड्स भी कहते हैं। और ये बीज नग्न होते हैं, जबकि आवृत बीजी पौधों में देखा जाए इस बीज के चारों ओर फल का आवरण होता है, परंतु अनावृत बीजीय पौधों में बीज के चारों ओर फल का आवरण नहीं होता, इसीलिए इसे अनावृत बीजी पौधे कहते हैं। और ये बीज जब पौधे से अलग होता है तो यह बीज अंकुरित होकर के नर पौधे या मादा पौधे का निर्माण करता है। इस प्रकार से ये नर व मादा पौधे उसी चक्र को पुनः आरंभ करते हैं, अर्थात ये पुनः संघ का निर्माण करते हैं और लैंगिक जन्म की प्रक्रिया पुनः आरंभ हो जाती है और इनका जीवन चक्र इसी तरह से पूरा होता रहता है। इस अध्याय में इसके पश्चात आवृत बीजी पौधों में लैंगिक जनन की एक हेडिंग है। चूंकि हम अगले चैप्टर में हम आवृत बीजी पौधे का पूरा जीवन इतिहास ही पढ़ेंगे, इसलिए हम इस बिंदु को यहाँ पर नहीं बताएंगे। हम अगले वीडियो में आपको अध्याय 2 के बारे में बताएंगे, जिसका नाम है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। ओके।